हमें इंसाफ था न्यायालय से और हमें न्याय मिली है। मेरे बच्चे को बेगुनाही में फंसाया गया था। सामा की जमानत के लिए पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, जहां उन्हें आज जमानत मिल गई है। पटना हाई कोर्ट ने पूर्व सांसद मोहम्मद साहबुद्दीन के बेटे उसामा साहब की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दे दी है। मोतिहारी के सैयद फरहान अहमद ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोप लगाया था कि मार्केट की इमारत का निर्माण कराने के दौरान उसामा साहब समेत 100 अज्ञात लोग आए और बंदूक से ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। इसी FIR पर केस दर्ज हुआ था, जिस पर उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उनकी दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने नियमित जमानत याचिका को स्वीकृत कर दी है। दरअसल हुसैनगंज थाना क्षेत्र में 42 कट्ठा जमीन मामले में गोलीबारी कराने का आरोप उसामा साहब और उनके करीबी सलमान पर लगा था, जिसमें सिवान व्यवहार न्यायालय ने उन्हें जेल भेज दिया था। इसके कुछ माह बाद उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन मोतिहारी में केस लंबित होने के कारण वह सिवान जेल से बाहर नहीं आ रहे थे। उसके बाद मोतिहारी न्यायालय में उनकी जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन कोर्ट के द्वारा जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी, जिसके बाद उसामा की जमानत के लिए पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, जहां उन्हें आज जमानत मिल गई है। और जमानत मिलने के बाद उसामा साहब के समर्थकों में काफी खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। आपको बता दें कि सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद साहबुद्दीन के पुत्र उसामा साहब को पटना हाई कोर्ट से जमानत मिली तो उनकी मां हिना साहब भी काफी खुश दिखी। उनके समर्थकों में भी काफी खुशी के लहर दौड़ गए। हिना साहब ने भी तमाम दर्शकों के और अपने चाहने वालों के बीच में खुशी खुले मन से ऐलान किया कि आज बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज हमारे बच्चे को रिहाई मिल गई है। यह वह मौका था जब सिवान जिले के आंदर थाना क्षेत्र में क्रिकेट मैच में चीफ गेस्ट के तौर पर हिना साहब पहुंची थी। तो आइए हम सुनाते हैं कि हिना साहब ने क्या कुछ कहा। देखिए, हमें इंसाफ था न्यायालय से और हमें न्याय मिली है। मेरे बच्चे को बेगुनाही में फंसाया गया था और ऊपर वाला के घर में देर है, अंधेर नहीं है। और न्यायालय से हम लोग न्यायालय पे भरोसा रखते हैं और न्यायालय से हम लोग को न्याय मिला। रिहाई मिल गया है, इंशाल्लाह मिल जाएगा। बेल हो गया तो रिहाई भी मिल जाएगी। मैं सभी को, तमाम सिवान वासियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सभी लोगों से मैं दुआओं की मोहताज रहूंगी हमेशा। हमारे तमाम